भाई आपने एक खबर देखी थी मैम 24 से, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैम के अंदर सरेआम जो है गोलियां चली है और गोलियां जो है दो बुजुर्गों का लगी है, तो जिसके अंदर ऐसी कुछ बातें निकल के आई है कि एक बुजुर्ग बिना काम खाम खाए निर्दोष जो था गोली लगी है, और निर्दोष जो उसको फिलहाल पता भी नहीं इसकी कंडीशन की है, गोली चली आड़ है और वो जो हुक्का पीने लग रहा था बैठकर, जो बुजुर्ग था दूसरा वो हुक्का पीने लग रहा था, टाइम पास करने का खतरा था और खाली फायर गया और सीधा जो उसके ऊपर अटैक कर दिया। ऐसी जो यहाँ पर देखने वाले ने बातें बताई हैं, तो एक बार उनके तभी जानकारी ले लेवांगे। भाई था भाई 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 एक मिनट, राम राम भाई, राम राम भाई। भाई साहब आपने जो बता रहे थे कि मतलब भाई मैं बाद में आया हूँ, पहला हो लिया वो, पहला हो लिया एक निर्दोष का गोली लागी। हाँ एक निर्दोष का लागी, चाचा हमारा काम का। अच्छा, उसके वो गाड़ा बैठा होगा पियो था भाई, दूसरे का मारा दे उसका लागी खाम खा जाके सीधी उसका, उसके अलावा कोई रंजिश नहीं थी ना उसके अलावा कोई। अच्छा देखो भाई, भीड़ के अंदर जब गोलियां चल रहे हैं तो बेकाम निर्दोष भी न्यू मारे जावे हैं, अक भाई उसका कोई खोट भी नहीं होता, लेकिन कई बार की वो निशाना न्यूनता न्यून टहल जा है और यहाँ पे बैठे हुए बुजुर्ग को प्रसिद्ध हमला हो जावे है। देख सको आप यहाँ पे ब्लड भी पड़ा है और गोली का खोल भी तो वो यहाँ पे पड़ा मिला था आपने, मैंने पीछे वीडियो में दिखाया भी था। और ये जो देखने लग रहे हो यहाँ पे सारे बैठ के हुक्का पीने लग रहे उस टाइम पे, हो सकता था इनकी जगह उस बुजुर्ग की जगह पे इनका किसी का और दूसरा का भी नंबर यहाँ पे पड़ सका था गोली लागण में। अंकल जी नहीं आप थे कोने में, आपसे नहीं पूछू हूँ, जैसे इस ताऊ को लगी है बेकाम में गोली, उस और किसी का भी लाग सके, और किसी भी लग सके थी, यहाँ कोई उसके भी लग सके थी। हाँ हाँ, भीड़ में अगर गोली चलाए निशाना नून तो ना किसी के भी लग, किसी के भी लग सके तो मेरे भी लग सके थे। मैं सीन गोली पे नाम लिखा हुआ, नाम किसी नाम लिखा होता फिर ज्यादा वो मतलब प्रशासन को समझ में आती है इस बात का। अब प्रशासन ने जो है हथियार जमा करवा रखे हैं क्योंकि चुनाव आने लग रहे हैं, फिर भी हथियार कहाँ से आ, सबसे बड़ा सवाल है। ये प्रशासन ने देखना चाहिए, अपना इंक्वायरी करनी चाहिए, कहाँ हथियार करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, पीछे वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि प्रशासन से मैंने बात करने की कोशिश करी थी कि चुनाव आयोग ने जो है सबके हथियार जमा करवा रखे हैं, रही बात दो नंबर के हथियार की, आप भाई भी कह सको कि दो नंबर के हथियार हो उसके देसी कट्टे हो उसके हैं, तो उनके ऊपर भी प्रशासन सख्ताई से कार्रवाई करने लग रहा है, लेकिन फिर भी हथियार रुकने का नाम नहीं लेने लग रही और अत्याय जो है रुकने का नाम नहीं लेने लग रही। सरेआम दिन दहाड़े जो है गोलियां चली चलाई जावे, पाँच छः जो है फायर करे जावे और एक फायर एक निर्दोष व्यक्ति जो जैसे भाई हुक्का पीने लग रहा है, ऐसे ही कोई यहाँ पे हुक्का पीने लग रहा था और उसको जो है वो टच कर जाए, छू ज़्यादा लग जाए, इस बात का भी कोई अंदेशा नहीं है कि भाई उसको कितनी चोट आई है। भाई सब क्या कंडीशन लग गया जिसका तो निर्दोष से गोली लगी है। भाई सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद मीडिया वालों का, ये जो गुंडागर्दी हो रही है शहर में नशे के खिलाफ जो काम हो रहा है, नशेड़ी लोगों की काम पाएंगे, आपसी रंजिश पाएगी, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भी हुआ ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है, सरकार ने इसके ऊपर सख्ती से कदम उठाने चाहिए, और जब हथियार सब के जमा हो चुके हैं तो गैर कानूनी हथियार जो आए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन से सब लोगों ने मांग करनी चाहिए। निर्दोष आदमी बैठे उसको गोली लगी, गोली किसी से पूछ के नहीं लगती किसको ले किसके नहीं, किसी का नाम नहीं लिखा, किसी का नाम नहीं लिखा था उसके ऊपर, और पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर सख्ताई करनी चाहिए और उनको 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। देखो भाई इसी टाइम अभी से अगर कड़ा सकंजा कड़ा कराया जाएगा तो दोषी घनी दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि करीबन 20-25 मिनट पहले की बात है। इतनी मैं यहाँ से गया था और वहाँ बैठ के 5 मिनट मैंने आम आदमी के ऑफिस में बैठा था पार्टी में, 5 मिनट के बाद ये सूचना है कि भिवानी स्टैंड पे गोलियां चली और एक आदमी की बता रहे कि मौके के ऊपर ही मौत हो गई है और एक आदमी घायल हो गया। लेकिन प्रशासन की नाकामी है, सीधी सीधी सरकार की नाकामी है, दिन दहाड़े बाजार के अंदर गोलियां मार रहे हैं, तो आतंकवाद तो ये है, यहाँ पे आतंकवाद फैल रहा है, कश्मीर में क्या आतंकवाद हुआ, यहाँ पे आतंकवाद तो जो सरेआम दिन दहाड़े आम जनता के बीच में गोलियां चला रहे हैं, तो आतंकवादी तो ये लोग हैं। कुछ अंदेशा हो तो जिसकी मौके पे मौत हुई है वो कौन से गांव का था? उसके बारे में मुझे कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन जो भी हुआ जिसके साथ भी हुआ उस परिवार के दुख के साथ हम उनके भाई प्रशासन देते हैं कि भाई आप लोग इस दुख की घड़ी में बड़ी हिम्मत करो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, हम सब आप लोगों के साथ। बिल्कुल भाई, जैसे मतलब यहाँ पे मैंने बात करी है तो जिसमें एक बुजुर्ग के गोली लगी है वो निंदाणा गाँव से बताया जाने लग रहा है, और दूसरा जो बुजुर्ग था जो यहाँ पे निर्दोष बैठा था उसको पास के ही गाँव किशनगढ़ से बताया जाने लग रहा है, जो कि यहाँ पर निर्दोष था, बिल्कुल उसका कोई जुर्म नहीं था और यहाँ पर बैठा हुक्का पीने लग रहा था, अपने भाई इंजॉय करने का खतरा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वहाँ पे तू जाओगा और मौत तेरा इंतजार करने लगी है। ये बहुत ही सरासर गलत हुआ, ऐसा मैं तो इतना कहूँ आप लोगों को, ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। शहर के अंदर बढ़ता हुआ अपराध का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं नशा है, अगर नशे के ऊपर सरकार कंट्रोल कर ले तो बहुत सारी
जो घटनाएं हो रही है हमारे साथ, बेरोजगारी है, सारी चीजें, नशा है, बेरोजगारी है, चोरी है, आपस में ठगा बगी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कारण क्या उनका? उन सबका कारण यही है कि शहर के अंदर नशे का एक ऐसा प्रकोप फैला हुआ है कि आप उसका अंदेशा नहीं लगा सकते। सरकार चाहे तो उसको बंद नहीं कर सकती क्या? देखो भाई, सबसे बड़ा सवाल तो इस हत्या के पीछे यूं उठने लग रहा है कि जिस टाइम पर सबके हथियार जमा हैं, दो नंबर के हथियारों के ऊपर रोक सरकार लगाने लग रही है, फिर भी हथियार कहां से आने लग रहे हैं और पांच पांच राउंड फायर दिन दहाड़े करे जाने लग रहे हैं। आसपास में बहुत सारे लोग थे और वही बात फिर दोबारा सवाल उठा है कि आसपास में सारे सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं और जाँच प्रशासन ने सख्ताई से करनी चाहिए और दोषी जो है ज़्यादा दूर नहीं निकले होंगे। 20-25 मिनट पहले की फिलहाल का जो टाइम हो रहा है उससे 20-25 मिनट पहले का युवा क्या है, अगर सत्ता प्रशासन जो सख्ताई करेगा तो दोषी जल्दी से जल्दी ठहर जाओगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाओगी। और मैं तो यू ये कहूँगा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके अच्छी से अच्छी सजा देने का काम करे। जी भाई साहब, अच्छा कोई विचार नहीं है तो भाई फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर करें और ये जो पाँच राउंड यहाँ पर जो बताने लग रहे हैं कि चलाए गए हैं, प्रशासन मौके पर मौजूद है, जांच करने लग रहा है, आगे की कोई अपडेट होगी तो मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर देवा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।